आज हम लोग जानेंगे यूजी सिलेबस के बारे में, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सेमेस्टर फाइव के सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, इसके ऊपर में आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि सेमेस्टर फाइव का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, दिसंबर के मिड में एग्जाम हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी से इस पे जानने का कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर 11 से। पेपर 11 बेस्ड ऑन वुमेन्स राइटिंग, इसमें हम लोग सिर्फ वुमेन्स राइटिंग का जो भी है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और जानना है। तो पेपर 11 में क्या क्या यूनिट है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है जान लेते हैं। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म एंड वुमेन्स राइटिंग इन द वेस्ट एंड इंडिया। यूनिट 2 में पढ़ना है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बारे में। यूनिट 3 फास्टिंग फिजिटिंग रिटन बाय अनिता देसाई, एक बहुत ही अच्छा नॉवल है, इसके बारे पढ़ना हम लोगों को। यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है सुला रिटन बाय टोनी मोरेशन, ये भी एक नॉवल है। तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं हम लोग। 10 MCQ फ्रॉम द टेक्स्ट इन यूनिट 1, 2, 3, 4, चारों यूनिट से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट 1 एंड 2, चार शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग को लिखना है, 6 अल्टरनेटिव मिलेंगे हम लोग को यूनिट 1 एंड 2 से, यूनिट 1 और 2 से ही 4 शॉर्ट नोट्स लिखना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट 2, 3, 4, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है यूनिट 2, 3, 4 मिला के, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 मिला के हम लोग को 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, हर 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम लोग को 2 अल्टरनेटिव्स मिलेंगे। तो अब पेपर 12 के बारे भी हम लोग जान लेते हैं। पेपर 12 बेस्ड ऑन ब्रिटिश लिटरेचर ऑन अर्ली 20th सेंचुरी, इसमें हम लोग जानेंगे 1900 to 1950 के ड्यूरिंग में जो जो हुआ। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में हम लोग को जानना है हिस्ट्री ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लैंड विथ सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस मूवमेंट अलोंग विथ इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। यूनिट 2 में हम लोग को जानना है यूनिट 2 में दो पार्ट है ए बी। तो ए में हम लोग को जानना है वाइल्ड सॉन एट कूल रिटन बाय विलियम बटलर इट्स, ये एक बहुत ही अच्छा लिरिकल पोएम है। बी में हम लोग को जानना है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फर्ड प्रूफ्रॉक, ये रिटन बाय टी एस इलियट, ये भी एक पोएम है। यूनिट 3 में हम लोग 2 बुक है इसमें भी, इसके बारे में जान लेते हैं। ए में हम लोग को पढ़ना है पिग्मेलियन रिटन बाय जी बी सॉ, ये एक प्ले है। और बी में पढ़ना है द हार्ट ऑफ द मैटर रिटन बाय ग्राम ग्रीन, ये एक नॉवल है। यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट रिटन बाय टी एस इलियट, ये एक ऐसे है। तो इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग जान लेते हैं। 10 MCQ फ्रॉम द टेक्स्ट इन यूनिट 1, 2, 3, 4, तो 10 MCQ सारे यूनिट से मिला के हम लोगों को करना है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट 1। यूनिट 1 से हम लोग को 4 शॉर्ट क्वेश्चन करना है जिसका 6 अल्टरनेटिव क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 6 क्वेश्चन में हम लोग को 4 ही करना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2 लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट 2, 3, 4। यूनिट 2, 3, 4 से हम लोग को 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन करना है जिसका हर यूनिट से हम लोग को 2 अल्टरनेटिव क्वेश्चन मिलेगा। तब हम लोग DSE पेपर के बारे जान लेते हैं। DSE पेपर होता क्या है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। DSE पेपर 2 पार्ट में बांटा गया है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका हो जाता है नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश, और ग्रुप बी हो जाता है स्टडी ऑफ शेक्सपियर। कुछ कॉलेज में स्टडी ऑफ शेक्सपियर पढ़ाया जाता है, कुछ कॉलेज में नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश पढ़ाया जाता है। मैं आपको दोनों का सिलेबस बता देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ ग्रुप ए से, नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। इसका यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक्स टू बी स्टडीड नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी,
नेचर एंड द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, पोजिशन ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर, रोल ऑफ नेचर इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड, नेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर, नेचर एंड पोस्ट कॉलोनिज्म और इको क्रिटिज्म। इन टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जानना है यूनिट वन में। यूनिट टू में हम लोग को पढ़ना है, यूनिट टू में दो है तो सॉरी दो नहीं, यूनिट टू में चार है, इन चारों का चारों को हम लोग को पढ़ना है। तो यूनिट टू में हम लोग जानते हैं, तो यूनिट टू में फर्स्ट में ए पार्ट में आ जाता है टू डैफोडिल्स रिटन बाय रॉबर्ट हैरी, बी में आ जाता है द गार्डन रिटन बाय एंड्रयू मार्वल, और सी में आ जाता है द क्लाउड रिटन बाय पी वी सेली, और डी में आपको पढ़ना है ओड टू ऑटम रिटन बाय जॉन कीट्स। ये सारा यूनिट टू का सारा पोएम है, तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी जान लेते हैं, इसमें किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 12 एमसीक्यू फ्रॉम द टेक्स्ट इन यूनिट टू, यूनिट टू से आपको 12 एमसीक्यू आएगा, मतलब सारे पोएम से ही आपको एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से 12 एमसीक्यू रहेगा। टू शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ थ्री अल्टरनेटिव फ्रॉम यूनिट वन, और यूनिट वन से आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन करना है जिसमें से आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे, तीन में से आपको दो करना है। थ्री लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ टू अल्टरनेटिव फ्रॉम इच पोएम इन यूनिट टू, यूनिट टू से आपको तीन लॉन्ग क्वेश्चन करना है और सारे पोएम से आपको दो दो क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको तीन ही लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो डीएससी पेपर टू के बारे में भी जान लेते हैं, नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश टू के बारे में। इसमें हम यूनिट वन में हम लोगों को पढ़ना है डैफोडिल्स, द सॉलिटरी रिपर, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये सारा का सारा सोनेट पोएम है और इन सारा को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बी पार्ट में हम लोग को पढ़ना है, यूनिट वन का बी पार्ट में राइम ऑफ द एंशियंट मारिनी, ये रिटन बाय एस टी कॉलरी, ये एक पोएम है। यूनिट टू में हम लोग को पढ़ना है पिलग्रिम एट टिंकर क्रिक रिटन बाय एनी डिलार्ड। तो इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जान लेते हैं। 12 एमसीक्यू फ्रॉम द टेक्स्ट इन यूनिट वन एंड टू, यूनिट वन और टू से मिला के 12 एमसीक्यू हम लोगों को करना है। टू शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ टू अल्टरनेटिव इच फ्रॉम यूनिट वन एंड टू, यूनिट वन और टू से हम लोग को दो शॉर्ट क्वेश्चन करना है जिसमें से दो दो अल्टरनेटिव हम लोग को मिलेंगे। टू लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव फ्रॉम यूनिट वन, और दो लॉन्ग क्वेश्चन करना है यूनिट वन से जिसमें से चार अल्टरनेटिव क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग को, और वन लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ टू अल्टरनेटिव फ्रॉम यूनिट टू, और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करना है यूनिट टू से जिसमें दो अल्टरनेटिव आपको मिलेगा। तो ग्रुप बी डीएससी पेपर ग्रुप बी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, स्टडी ऑफ शेक्सपियर के बारे में। स्टडी ऑफ शेक्सपियर का यूनिट वन में हम लोगों को जानना है, पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड फ्यूचर्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। यूनिट टू में तीन बुक है, तीन बुक के बारे में हम लोग को जानना है ए बी सी। ए में आ जाएगा मैकबेथ, टू बी में आ जाएगा किंग लियर और सी में आ जाएगा ऑथेलो। तो इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जान लेते हैं। 12 एमसीक्यू फ्रॉम द टेक्स्ट इन यूनिट टू, यूनिट टू से सारा एमसीक्यू पूछा जाएगा। टू शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ थ्री अल्टरनेटिव फ्रॉम यूनिट वन, और शॉर्ट क्वेश्चन आपको यूनिट वन से करना है जिसमें से आपको थ्री अल्टरनेटिव क्वेश्चन मिलेंगे। थ्री लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ टू अल्टरनेटिव फ्रॉम यूनिट टू, और यूनिट टू से आपको थ्री लॉन्ग क्वेश्चन करना है जिसमें से आपको दो दो अल्टरनेटिव क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब ए से भी दो, बी से भी दो और सी से भी दो दो अल्टरनेटिव क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको एक एक करना है, मतलब टोटल तीन लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो डी एस सी टू मतलब स्टडी ऑफ शेक्सपियर टू के बारे में भी जान लेते हैं। इसका यूनिट वन में हम लोगों को पढ़ना है
कॉन्सेप्ट एंड फ्यूचर्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडीज। यूनिट टू में हम लोग को तीन बुक है उसके बारे भी जान लेते हैं। यूनिट टू में फर्स्ट ए में आ जाता आपका मच अडू अबाउट नथिंग, बी में द टेम्पेस्ट और सी में अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जान लेते हैं हम लोग। 12 एमसीक्यू फ्रॉम द टेक्स्ट इन यूनिट टू। यूनिट टू से आपको 12 एमसीक्यू आएंगे, 12 एमसीक्यू आपको यूनिट टू से करना है। टू शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ थ्री अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट वन, और यूनिट वन से आपका दो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको तीन अल्टरनेटिव क्वेश्चन मिलेंगे। थ्री लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ टू अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट टू, और यूनिट टू से आपको तीन लॉन्ग क्वेश्चन करना है जिसमें से आपको दो अल्टरनेटिव इच बुक से मिलेगा, मतलब मच अडू अबाउट नथिंग से भी, द टेम्पेस्ट से भी और अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से भी। दो दो अल्टरनेटिव रहेगा जिसमें से आपको एक एक करना है। तो ये हमारा सिलेबस रहा, और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि दिसंबर का एंड तक हम लोग का सेमेस्टर फाइव का एग्ज़ाम हो जाएगा। सो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी आप लोगों को चाहिए समरी या कोई भी बुक के, मतलब कोई भी नॉवल या पोएम या ड्रामा प्ले के बारे में आप लोगों को जानना है इसके विषय में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उस पर आगे चल के वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।